चलिए हम लोग आज एक कहानी सुनते हैं। कहानी है दो पंडित जी लोगों की, ठीक है। दो पंडित जी थे, एक चाचा और एक भतीजा, ठीक है। वो लोग जजमानी करते थे। क्या करते थे? हाँ, पंडित जी आते हैं ना आप लोगों घर सबके यहाँ। हाँ, तो ऐसे वो लोग भी अपने चेला के यहाँ गए। किसके यहाँ गए? हाँ, चेला के यहाँ गए। तो पंडित जी लोग अपने हाथ से ही भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अपने हाथ से भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो वो जो अपने जिसके यहाँ गए थे, उन्होंने कहा कि गुरु जी आप लोग आज लड्डू बनाइए। क्या बनाइए? लड्डू। और लड्डू बनाने का सामान उन्होंने गुरु जी लोगों को दे दिया। इन लोगों ने खूब अच्छे से साफ सुथरे से लड्डू बनाया, लेकिन जितना सामान मिला था उस सामान में लड्डू बने पांच। कितने लड्डू बने? अब समस्या हो गई कि पांच लड्डू दो लोगों में कैसे बराबर बराबर बांटा जाए। बढ़ जाएगा? हाँ बताइए। हाँ हाँ, दो दे दिया जाएगा और एक बच्चे का, तो उसमें आधा आधा दे दिया जाएगा। तो ठीक है भाई, ये तो सही कर रही है, पांच लड्डू तो हो जाएगा। लेकिन कोई भी आधा खाने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, बैठ जाइए। वेरी गुड। इन्होंने बताया कि दो दो लड्डू पहले बांट लेंगे, एक लड्डू जो बटेगा उसमें आधा आधा फोड़ करके दोनों लोग खा लेंगे। लेकिन ना तो चाचा आधा खाने के लिए तैयार था, ना तो भतीजा का। हम आधा नहीं खाएंगे, हम पूरा खाएंगे। हाँ बताइए क्या हुआ। उसके चेला खा जाएंगे। ये भी हो सकता था कि भाई प्रसाद के रूप में अपने चेले को दे देते एक लड्डू, लेकिन उन लोगों ने ये भी नहीं किया। कहे कि नहीं, हम ही दोनों खाएंगे। तो चाचा कहता था हम तीन ठो खाएंगे, भतीजा कहता था हम तीन ठो खाएंगे। दो ठो खाने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, न तो आधा खाने के लिए कोई तैयार था। तो उसके बाद रास्ता निकाला गया। कौन सा रास्ता निकाला गया? दोनों ने कहा ठीक है, चलिए हम दोनों सो जाते हैं, सुबह उठ करके लड्डू खाया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि जो पहले बोलेगा वह दो लड्डू खाएगा, और जो बाद में बोलेगा वो तीन लड्डू खाएगा। यह शर्त लगा के सब चादर तान के चाचा भतीजा दोनों सो गए। अब सुबह हो गई। सुबह हुई तो मन में सब सोच रहे हैं कि हम पहले बोल देंगे तो हमको दो ही लड्डू खाना पड़ेगा। भतीजा सोच रहा है अरे अगर हम पहले बोल देंगे तो दो लड्डू खाना पड़ेगा। तब तक जजमान जो है उनके आ गए, कहे अरे गुरुजी उठिए उठिए, अब न चाचा बोल रहा है न भतीजा बोल रहा है। सब सोच रहे हैं कि हम पहले बोलेंगे तो हमको दो लड्डू मिलेगा, जो बाद में बोलेगा उसको तीन लड्डू मिलना था, तो इसलिए न वो पहले बोल रहा है न वो पहले बोल रहा है। दोनों जो है एकदम शांत पड़े हुए, जैसे लगता था कि मर गए हैं, ठीक है। बहुत देर तक जगाते जगाते फिर जजमान सोचा कहीं ये दोनों लोग मर तो नहीं गए। फिर सोचा कि चलो अब तो ये हमारे घर आए हैं, इनका क्रियाक्रम तो हमको करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद क्या करता है, वो लोगों को बुलाता है, कहता है कि ये दोनों चाचा भतीजा हमारे गुरुजी लोग आए हुए थे, दोनों लोग मर गए। दोनों लोग एकदम सांस रोक लिए, हिलडोल भी नहीं रहे थे। उसके बाद लोगों ने क्या किया, टिट्ठी उट्ठी सजाया और इनको खूब तेज तेज रस्सी से बांधा भी। किसे बांधा? रस्सी से। उसके बाद भी दोनों नहीं बोले, न तो हिले। जब लोग छूते थे तो ये सांस रोक लेते थे दोनों, कि मतलब हम लोग पहले नहीं बोलेंगे। दोनों ये सोचते थे कि हम पहले बोलेंगे हमको दो लड्डू खाना पड़ेगा। उसके बाद लोग इनको राम नाम सत्य है, लोग मरते हैं क्या कहते हैं, हाँ हाँ, फूल भी फेंकते हैं। तो ऐसे फेंकते हुए लेकर के घाट पे चले गए नदी किनारे। चिता सजा दी गई, इन लोगों को चिता पर लिटा भी दिया गया। सभी लोग नहाने चले गए, सिर्फ वहां पांच आदमी रुक गए। जब पांच आदमी रुके थे तब तक आग लगा दी गई, आग लगा दी गई। अरे सांस रोक के दोनों पड़े हैं। चाचा सोच रहे थे कि नहीं, जान जाए तो जाए, लेकिन हम शर्त नहीं हारेंगे। लेकिन जो भतीजा थे वो थोड़े होशियार थे, वो सोचे कि अगर मर जाएंगे तो लड्डू क्या क्या होगा, दो ही लड्डू मिले लेकिन जान हमको बचा लेना है, ठीक है। उसके बाद भतीजा कहा अरे चाचा उठो भागो भागो, दो मैं खाऊंगा तीन तुम खा लेना, दो मैं खाऊंगा तीन तुम। अब वहां कितने आदमी खड़े थे? अब वो आदमी सोचे अरे बाप रे बाप, ये तो सब भूत हो गए। आदमी लगे भाग रहे, दौड़ के आदमी भाग चले, और ये दोनों उठे और दौड़ते 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 गए जहां लड्डू बना के रखे थे। दो लड्डू भतीजा खाया और तीन लड्डू, तो
कौन था? चाचा खाया और बैठ करके खाने लगे। बाद में पता चला कि ये सब तो शर्त लगाए थे। तो हम लोगों को ऐसा शर्त लगाना चाहिए कि जान चला जाए? नहीं लगाना चाहिए। हमें कभी भी ऐसी शर्त नहीं लगानी चाहिए कि हमारी जान चली जाए। हमें कम में ही संतोष कर लेना चाहिए। करना चाहिए नहीं चाहिए? करना चाहिए। हाँ 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 बिल्कुल। जब इनके पापा 10 रुपया खिलाते हैं तो 1 ही रुपया में संतोष कर लेते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या करना चाहिए? संतोष करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ। और हमें इस प्रकार का शर्त कभी भी नहीं लगाना चाहिए कि हमारी जान ही चली जाए, है कि नहीं है? हाँ। तो इसमें चालाक कौन था? चाचा की भतीजा? भतीजा। तो भतीजे के लिए ताली बजा दीजिए सभी लोग। अच्छा, भतीजा चालाक क्यों था? हाँ, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था। उसने सब दोनों लोगों का जान बचा लिया। ठीक है। हाँ, देखिए चाचा भतीजा वाला कार्टून भी देखते हैं। ताली बजा दीजिए सभी लोग स्क्रीन के लिए।